तो उत्तराखंड में आपने देखा हालात काफी खराब हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी का कारण यह है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बाबा अमरनाथ का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को मायूस करने वाली ये खबर है। बाबा बर्फानी अपने पूर्ण रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दर्शन कर लौटे पहले जत्थे के श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा का आकार पहले की तुलना में अभी से छोटा दिख रहा है। क्या समय से पहले अंतर्ध्यान हो जाएंगे बाबा बर्फानी? क्या यात्रा खत्म होने से पहले ही अदृश्य हो जाएंगे बाबा अमरनाथ? ये सवाल दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में पौंध रहा है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को शिवलिंग के आकार ने चिंता में डाल दिया है। बहुत गर्मी होती है, उसे नेचुरली उसने मेल्ट होना ही है, मैक्सिमम 15-20 दिन और जा सकता है। शिवलिंग का आकार देखकर श्रद्धालुओं को ये डर सताने लगा है कि बाबा बर्फानी कहीं 15 दिन के भीतर ही अंतर्ध्यान न हो जाए। यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। सबसे पहले दर्शन करने वालों में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा भी थे। अपने भोले बाबा का दर्शन करने रोजाना 10,000 श्रद्धालुओं का जत्था पहुँच रहा है। हर साल आता हूँ और पहले बेस केंद्र यात्रा करने का हर संभव प्रयास होते हैं। बहुत खुशी हुआ, बाबा का कृपा है, उसीलिए इतना दूर मैं आ चुका हूँ। बस सब दर्शन हो जाए बस, और क्या, बाकी तो सब अपने आप ही मिल जाएगा। हमें तकन का कोई एहसास नहीं है कि हमें होगी भी नहीं होगी। बोल भोले बाबा की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने गुफा के अंदर एक साथ ज्यादा लोगों को न जाने की सलाह दी है। गर्मी की वजह से शिवलिंग के पिघलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। लोग शिवलिंग से दूर रहे, इसके लिए एक सांकेतिक दीवार भी खड़ी की गई है। खालिद हुसैन, सी मीडिया, पहलगाम। तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने श्रद्धालुओं ने आज ही शुरू किए हैं, लेकिन आज से ही उनके आकार को लेकर चिंता भी शुरू हो गई।